भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। तुम सुनाओ क्या कर रहे थे? मैं आज मदरसे में पढ़ाए गए सबक पर गौर कर रहा था। मुझे ये सबक कुछ मुश्किल लगा है। दरअसल मैं भी तुम्हारे पास इसलिए आया था कि आपके पढ़ाए गए सबक को अच्छी तरह समझ सकूं। इस सबक को समझने के लिए हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी। चलो भाई आपके सबक को समझने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्यों नहीं, मैं आप दोनों को समझाने की जरूर कोशिश करूँगा, लेकिन ये तो मालूम हो कि सबक कौन सा है। भाई सबक हमारी दीनी याद का है, जिसका मौजू अल्लाह की सिफात है। अरे ये तो इंतहाई आसान सबक है, बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। पहले तो आप ये बताएं कि क्या चीज समझ नहीं आ रही। किसी कहते हैं किसी भी शख्स जाने वाली खूबी हमारी को सिफत कहते हैं, और सिफात अल हकीकत सिफत की जमा है, जिसके मैंने वो खूबियाँ या खामियाँ जो किसी शख्स में पाई जाए। लेकिन हमारे सामने हमने अल्लाह की सिफात पढ़ाई है। अल्लाह की सिफात से मुराद वो बातें जो अल्लाह में पाई जाती हैं, वो इसी तरह वो बातें हैं और इसी तरह वो बातें जो अल्लाह में नहीं पाई जाती। सामने ये भी बताया था कि जो खूबियाँ अल्लाह में पाई जाती हैं उन्हें सिफात सबूतिया कहते हैं, और जो बातें अल्लाह में नहीं पाई जाती उन्हें सिफात सबबिया कहते हैं। शाबाश, आप दोनों को तो क्लास में बताई गई काफी बातें याद हैं। क्या आपको मालूम है कि सिफात सबूतिया और सिफात सबबिया कितनी है? जी भाई, हमारे सर ने बताया था कि अल्लाह की सिफात दो तरह की है, एक सिफात सबूतिया और दूसरी सिफात सबबिया। और सर ने ये भी बताया पहली सिफत है कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आप दोनों तीन बार इस सिफत को दोहराएं। दूसरी सिफत है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, यानी वो हर काम कर सकता है। तीसरी सिफत है कि अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है, यानी कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। चौथी सिफत है कि अल्लाह ताला बगैर हाथ पांव आंख कान और दिमाग के हर बात जानता है और हर काम कर सकता है। अल्लाह ताला बगैर हाथ पांव आंख कान और दिमाग के हर बात जानता है और हर काम कर सकता है। अल्लाह ताला बगैर हाथ पांव आंख कान और दिमाग के हर बात जानता है और कर सकता है। पांचवी सिफत है ये है कि अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। छठी सिफत ये है कि अल्लाह हर काम अपने इरादे और इख्तियार से करता है। अल्लाह हर काम अपने इरादे और इख्तियार से करता है। अल्लाह हर काम अपने इरादे और इख्तियार से करता है। अल्लाह हर काम अपने इरादे और इख्तियार से करता है। सातवीं सिफत है कि अल्लाह ताला बगैर जुबान के बोलता है और जिस चीज में चाहे आवाज पैदा कर देता है। अल्लाह ताला बगैर जुबान के बोलता है और जिस चीज में चाहे आवाज पैदा कर देता है। अल्लाह ताला बगैर जुबान के बोलता है और जिस चीज में चाहे आवाज पैदा कर देता है। आठवीं सिफत है कि अल्लाह ताला हर बात में सच्चा है। अल्लाह ताला हर बात में सच्चा है। अल्लाह ताला हर बात में सच्चा है। उम्मीद है कि अब आप दोनों को सफर की सबूतियाँ याद हो गई होगी। जी भाई, हमें अच्छी तरह समझ भी आ गई और याद भी हो गई। शाबाश, उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों को ये सबक अच्छी तरह याद हो गया होगा। अब मुझे भी पौधों को पानी डालना है। आप दोनों अब जाकर कुछ देर आराम करें या खेलें। बहुत शुक्रिया भाई।
और जो कर